के खेसारी जस बड़ी आ सकबा तो देख लो ना खेल के कबड्डी अरे तो फिट रही देह मार बीम राजा जी अपेटनी कॉलेज वाहिन कॉलेज हिंद राजा जी। अपने अपनी टीआरपी बनाने के लिए लोग विरोध है ये करते हैं, सुनता गाता सब लोग हैं और ये चलता रहेगा, किसी को रोकने से रोकने वाला नहीं है। अपने हम कैसे हैं कैसे नहीं हैं, हम जैसा बना के रखेंगे उस टाइप के लोग मुझे देखेंगे, उस टाइप के लोग मुझे सोचेंगे। एक हम टैग दिए हैं, बहुत लोग बोल भी रहा है आजकल के बोलचाल में ये भाषा यूज हो रहा है, कह रहे हैं बाघवा बैदरी। हाँ, बोल रहे बाघवा बैदरी। ओम साई रेसिडेंसी लेकर आया है आपके लिए सुनहरा मौका। जी हाँ, दिल्ली NCR में आसान किस्तों में पाएं सबसे सस्ते दामों में रजिस्ट्री वाले प्लॉट, फ्लैट और दुकानें। अधिक जानकारी के लिए दिए गए नंबर पर संपर्क करें। नमस्कार, प्रणाम, लाइव लॉन्ग न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूँ आपके साथ खुशबू राय। एक बार फिर से भोजपुरी के एक नहीं दो दो कलाकार हमारे साथ बैठे हुए हैं और दोनों ही पर्चे के मोहताज नहीं हैं। इनसे भी आप ऑलरेडी परिचित होंगे और उनसे भी परिचित होंगे, पर्चे नहीं दोहराएंगे। आगे बढ़ने से पहले टुनटुन जी और सोना जी दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। लाइव लॉन्ग न्यूज चैनल को देखने वाली भगवान श्री की जनता को तहे दिल से प्रणाम है। आप लोग इतना देखिए और इतना प्यार दीजिए कि इनका बहुत जल्द 1 मिलियन सब्सक्राइबर हो और फिर सारा इनके पास व्यूज मिले। आपका भी बहुत बहुत स्वागत। और जितने भी मेरे दर्शक हैं जो लाइव लॉन्ग हम लोग को देख रहे हैं, सारे श्रोता समाज को नमन करती हूँ मैं। चलिए, हमेशा कुछ ना कुछ भोजपुरी में धमाल मचाते ही रहते हैं दोनों। इनका भी हिट पे हिट गाने आते रहता है, मैं कहूँ तो वो भी कुछ कम नहीं है। हाल ही में एक गाना आप लोगों ने भी सुना होगा, कोको कोला, इतना बज गया मार्केट में, मुझे लगता है जितना कंपनी वालों ने प्रचार नहीं किया होगा उससे ज़्यादा इन लोगों ने किया होगा। क्या लगता है, वाकई में ऐसा हुआ है? वैसा हुआ है एकदम। कुछ मिलेगा इन लोगों को सभी कलाकारों को। चलिए, आगे बढ़ने से पहले टुनटुन जी, आपका गाना भी हमेशा कोई ना कोई वायरल रहता है, एक प्यारा सा सॉन्ग दर्शकों के लिए सुनिए। हर की कहेलू बनावे के खेसारी जस बड़ी आ सकबा तो देख लो ना खेल के कबड्डी अरे तो फिट रही देह मार बीम राजा जी अपेटनी कॉलेज वाहिन कॉलेज हिंद राजा जी। अरे की लगब तू मर बजे जिम राजा जी पेटनी कॉलेज वाहिन कॉलेज हिंद राजा जी। अच्छा, अभी किस प्रोजेक्ट के सिलसिले में यहाँ पे आप लोग? आज हम लोग बहुत ही प्यारा दो सॉन्ग है जो कि आप तो जानती हैं और सारे मतलब जितने भी पब्लिक है सबको पता है कि टुनटुन जी का गाना निकला और बवाल मचाया। ऐसे ही दो गाना बहुत ही प्यारा शूट है जो कर रहे हैं हम लोग। एक गाना है जो माजा पे है और एक इनका जो प्रसिद्ध है, मतलब आपको कोला का प्रचार करने के बाद माजा का प्रचार करने का सबका करना जरूरी है ना, तो सब बोलेगा कि एक ही कंपनी का प्रचार हो रहा है, सबका करना जरूरी है। और जैसे कोको कोला का प्यार मिला और आशीर्वाद मिला और स्प्राइट का मिला और माजा का भी बहुत ही प्यारा सॉन्ग है और बहुत ही अच्छा हम लोग कॉन्सेप्ट से इसका शूट कर रहे हैं। तो उतना ही प्यारा आशीर्वाद आप लोग इस गाने को भी दीजिए कि ये भी गाना धमाल मचाए। मतलब कहीं ना कहीं आप भी मानती हैं कि टुनटुन जी का गाना आता है तो बवाल होता है? एकदम बवाल मचाता है, खास करके रील पे तो सारी लड़कियाँ पागल हो जाती हैं इनके गाना आते हुए, क्योंकि जैसा लोग सोचता है कि उस टाइप का कुछ गाना है सोच से पहले ये निकालते हैं तो गर्दन मचता है। अभी बहुत सारा इनका सॉन्ग अभी चल रहा है रील्स पे, नती आँखियाँ मारता, खेसारी जैसे बॉडी, बिहार जाने ला, बहुत सारा ऐसा गाना है जो धमाल मचाया है। सिक्सर के छह गोली छाती मेरे पावर होला ही खाली रह जाती मेरे। अच्छा, अभी बड़हाल भोजपुरी इंडस्ट्री में अश्लीलता और जातिवाद दोनों को लेकर बवाल मचा हुआ है, तो क्या टुनटुन जी, टुनटुन यादव, अब आगे से जातिवाद गाएंगे या नहीं? अभी भी गाएंगे ये सब? देखिए, ये सब हमारा गाना आता रहेगा, हमारा गाना से कुछ नहीं होता है। वो सब अपने अपनी टीआरपी बनाने के लिए लोग विरोध है ये करते हैं, सुनता गाता सब लोग हैं और ये चलता रहेगा, किसी को रोकने से रोकने वाला नहीं है। अच्छा, अश्लील गानों को लेकर क्या कहना चाहेंगे टुनटुन जी? बहुत सारे लोग कुछ ज़्यादा ही अश्लील गा रहे हैं उनको लेकर। हाँ, बहुत सारे लोग जो गाते होंगे वो हम तो नहीं गाते, हम तो दबंगई वाला गाना गाते हैं। हाँ, अच्छा, दबंगई वाला गाना ही ज्यादा आप क्यों गाते हैं? दबंगई वाला दबंग परिवार के है, दबंग वाला गाना इसलिए गाते हैं। ये जो लोग पसंद कर रहे हैं, मतलब गाना निकालते हो गाना। अभी जो गाना गाए थे कि
बाघवा बिरादरी कहल जला हीराना कि इसमें हम किसी इसमें हम किसी को कुछ नहीं बोले हैं, हम अपने को बोले हैं कि नहीं हम लोग जो जाती है जो बाघवा बिरादरी से बिलोंग करती है, बस हो गया। एक हम टैग दिए हैं, बहुत लोग बोल भी रहा है आजकल के बोलचाल में ये भाषा यूज हो रहा है, कह रहे हैं बाघवा बिरादरी, हाँ बोल रहे बाघवा बिरादरी। क्या कह रही थी आप, कुछ कह रही थी? हम इन्हीं को बोल देते कि जो लोग को चाहिए, जो पब्लिक को चाहिए वो टुनटुन जी देते हैं और पब्लिक काफी ज्यादा पसंद करते हैं इनके गाने को। आर्मी का भी गाना गाए तो आर्मी वाला बहुत सारा लड़का दीवाना है मेरा, बहुत ज्यादा अच्छा अच्छा प्रोजेक्ट करते हैं, अच्छा अच्छा गाना निकालते हैं। तू हवा सर्दी की दवाई हूं गाना जवा के बजा, बहुत अच्छा। आप भी फिलहाल ये कर रहे हैं, मूवी के बारे में आपने कहा था बहुत जल्द शूट होने वाली है, कब तक और क्या है? अभी तो चल रहा है, क्या बोल रहे हैं, एल्बम में फंसे हुए हैं, मूवी का शूटिंग होगा तो खुद आपको मिल जाएगा सोशल मीडिया के माध्यम से। और सुनने में टुनटुन जी का रेट बहुत हाई हो गया है, कुछ लोग सवाल उठा रहे हैं इस पे कि पैसा चीज़ों पे मांगते, क्या कहना चाहेंगे? क्या मतलब तो क्या करिएगा बताइए, अब हमारा मन कर रहा है, आज पहला बार हम इतना बड़ा गाना कर रहे हैं, कंपनी वाले 50,000 रुपया दिया है शूट करने का दो गाना, तो हमें अच्छा लग रहा है कि हम कहें ना भाई, कहे कि हम 20,000-30,000 के फेरा में पड़ रहे, 20,000-30,000 में गाना बेची, कहें ना एक बार एक जगह एक बार वोन कर दी नहीं तो 50। हाँ टुनटुन जी अब इसलिए इस लेवल पे आ गए हैं कि अगर कोई भी बोलते हैं चैनल वाले को तो कोई ना नहीं बोलेगा। 150 लड़का जो ऐसा है जो हम सबको हम मेंटेनेंस करते हैं तो कहाँ से हम करेंगे। सोना जी आप क्या कहना चाहेंगी अश्लीलता को लेकर, कहीं ना कहीं लड़कियों को भी भोजपुरी इंडस्ट्री में ट्रोल किया जा रहा है, क्या कहना चाहेंगे इस पे? मैं तो बस यही कहना चाहूँगी कि अपने हम कैसे हैं कैसे नहीं हैं, हम जैसा बना के रखेंगे उस टाइप के लोग मुझे देखेंगे, उस टाइप के लोग मुझे सोचेंगे, ये मेरे हाथ में है। सोना पांडे जी मैं ये पूछ रही थी, ये सवाल मैंने आपसे इसलिए किया कहीं ना कहीं देखा जाए तो भोजपुरी इंडस्ट्री की ही फीमेल सिंगर भी ट्रॉल हुई हैं, खुशबू उत्तम के बारे में आप जानती भी होंगी सुनी भी होंगी, क्या राय होगी आपकी खुशबू उत्तम को? और जो आप बोल रही हैं वो चीज़ तो मैं अभी तक देखी नहीं हूँ, मैं जानती नहीं हूँ क्योंकि मैंने वो सब चीज़ सुना ही नहीं है। हालांकि वो कलाकार बहुत अच्छे हैं और हर लोग सपोर्ट किए, उसे तो 10-12 गाना गवाए हैं, बहुत अच्छे इंसान। मैं भी काम किया हूँ पहले उनका, पेमेंट में भी जो दीजिएगा वो उस पर कर देते हैं, तो उनको भी ट्रोल किया गया है बहुत सारे लोगों के द्वारा। अच्छा करने दीजिए, करने वाला ऐसे ही करता रहता है, हालांकि आप में कमी नहीं रहेगा तो कोई क्या करेगा, मुँह से बोल सकता है, दिखा नहीं सकता, ये फील्ड है इसमें कोई किसी को छोड़ता थोड़ी ना। सोना पांडे जी लगातार हिट पे हिट गाने दे रही हैं, क्या मूवी में कब तक देखने को मिलेंगे किसी? मेरा एक मूवी आ गया है जो पवन जी के साथ, पवन जी हैं उसमें, रवि किशन जी हैं, तो मेरा भारतमान जिसका ट्रेलर आ गया, मूवी में बहुत जल्द आने वाला है, और मैंने एक दो मूवी अभी साइन करके रखा है, और एक मैंने अभी फ़िलहाल मूवी किया कल्लू जी के साथ अयोध्या में, वो भी मूवी बहुत जल्द आने वाला है। पहला ही प्रोजेक्ट पवन जी के साथ मिला करके कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा, मैं तो उनके साथ अभी तक एल्बम भी नहीं की थी, डायरेक्ट मैंने उनके साथ मूवी किया है जो कि मूवी बहुत जल्दी आने वाला है, और आगे भी बहुत अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट हैं आपको बताएंगे। आखिर मैं टुनटुन जी एक बार प्यारा सा गाना दे सकूं? अरे की जानी चुप कर पागला रे, आज पागल के रोले बेदे, तू रोबतारू चेतना रोबतारू उतना अमर झाइल फेस धोल दे तेरे, जानी चुप कर पागल रे, आज पागल के रोले दे दे। ठीक है इसी के साथ बाय बाय, ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करिए चैनल को, और ढेर सारा प्यार दीजिए। बोल रही हूँ मुझे देने के लिए इंटरव्यू, लेकिन मेरे पास टाइम नहीं था, फिर नेक्स्ट टाइम में सोलो अपना इंटरव्यू देंगे। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अगली बार फिर से एक धमाकेदार इंटरव्यू के साथ, हालांकि इन दोनों के पास वक्त बहुत कम है, शायद इनका सेट लगा हुआ है, मैं इनका माफी चाहूंगी, आप लोगों का समय बर्बाद किया, और इनका भी समय को ध्यान में रखते हुए आज के लिए इतना ही, इंतजार करिए अगले धमाकेदार इंटरव्यू।